इधर पंडोकर सरकार ने दावा किया है कि इंदौर की राव विधानसभा सीट से विधायक जीतू पटवारी आगामी विधानसभा चुनाव में 40,000 वोटों से विजयी होंगे। आपको बता दें कि पंडोकर सरकार के दरबार में आज कांग्रेस कार्यकर्ता और पटवारी समर्थक कैलाश पंचौली ने अर्जी लगाई थी। इसके बाद पंडोकर सरकार ने जीतू पटवारी के नाम की पर्ची निकाली। बताया कि अगले विधानसभा चुनाव में 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे जीतू पटवारी। जीतू विधानसभा में विजयी होंगे, 100% में विजयी होंगे, लेकिन इसके लिए आपको पंडोकर धाम जाना है और डबल मार्जिन से विजयी होंगे और अभी से मेहनत करो तो 40,000 से ज्यादा होंगे। या पर्ची को लेमिनेशन करा के गले में लटका लेना जब तक चुनाव पूरे ना हो जाए। भाई जीतू ने जीत गया बस। जीतू विधानसभा में विजयी होंगे, 100% में विजयी होंगे, लेकिन इसके लिए पंडोकर सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि 40,000 ज्यादा वोटों से जीतू पटवारी आगामी विधानसभा चुनाव में विजयी होंगे। और जब जब पंडोकर सरकार की तरफ से इस तरह का दावा किया जाता है अक्सर सियासत में भी गर्माहट आती है। ये माना जाता है कि जब जब धर्म और सियासत मिलती है तब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन कितना सच होगा ये दावा ये सब तो जनता के हाथ में ही, लेकिन सियासत इस पर भरपूर होने वाली है इसका अंदाजा आप पहले से ही लगा सकते हैं। जीतू पटवारी अक्सर बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर भी अब लगातार चर्चाओं में है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बड़ा दावा कर रहे हैं पंडोकर सरकार इस बार, हालांकि क्या कुछ हकीकत इसके पीछे, कौन यहां पर पहुंचा था, क्या कुछ मौके पर हुआ? देखिए, पंडोकर सरकार का इंदौर में दरबार लगा हुआ है, तो इंदौर में जहां पंडोकर सरकार का दरबार है वहां जीतू पटवारी के समर्थक हैं कैलाश पंचौली, तो ये वहां पर एक पर्ची लेकर पहुंचे थे और इस पर्ची में उन्होंने लिखा हुआ था, तो उसके बाद पंडोकर सरकार ने उस पर्ची के पहले ही अपनी स्लेट पर लिखा हुआ बताया कि देखिए आपका जो सवाल था वो मेरी इस स्लेट में लिखा हुआ है, और उस पर्ची में उन्होंने फिर ये बताया कि आपने जो पूछा है वो जीतू पटवारी के लिए, और जीतू पटवारी जल्द ही अगले चुनाव में जीतेंगे और करीब 40,000 वोटों से जीतेंगे, ये दावा किया है। चलिए देखना होगा इसका असर कितना होता है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए।